नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चलाई में एक पुराने मकान को तोड़ने के दौरान एक मजदूर की मलबे में दबने से हुई मौत। गुजरात से टाटा नगर स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 360 श्रमिक पहुंचे गंतव्य तक। तीन दिन पहले लापता नाबालिग युवती का शव नदी में तैरता मिला, ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर किया विरोध प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती में शनिवार को एक पुराने मकान को तोड़ने के दौरान एक मजदूर उसके मलबे में दब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान जुगसलाई गरीब नमाज कॉलोनी निवासी आरिफ के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और उसके बस्ती के काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और हंगामा किया। लोगों ने मुआवजे की मांग पर काफी देर तक शव को उठने नहीं दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती निवासी मोहम्मद शमीम अपने घर का पुनर्निर्माण कराने के लिए घर को तोड़वा रहे थे। उन्होंने इसके लिए स्थानीय ठेकेदार मन्नान को ठेका दिया था। ठेकेदार द्वारा एक मजदूर आरिफ को घर तोड़ने के काम में लगाया गया था। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के आरिफ अकेले ही घर तोड़ने का काम कर रहा था। इसी क्रम में मकान के सीढ़ी का एक हिस्सा अचानक ही टूटकर आरिफ के ऊपर गिर पड़ा। इससे आरिफ दीवार और छत के बीच में दब गया। उसके गले का हिस्सा उसकी चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा। जानकारी मिली थी गश्ती के दौरान कि एक बॉडी दब गई है कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उसी के देखने के लिए आए हैं। तो सच में पाया गया कि बॉडी दबी हुई है, मृत वो मृत है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी उम्र? बताया जा रहा है कि यहाँ उनका ससुराल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनका ससुराल है, लेकिन रहने वाले मूल रूप से यूपी के थे। यहाँ वो सब ससुराल में रह रहे हैं, मतलब जुगसलाई में ही ससुराल। हाँ, जुगसलाई। उम्र कितनी होती होगी? उम्र कितनी होती होगी? उम्र करीब 28 साल हो रही है। अच्छा, जैसा मजदूर काम कर रहे थे, पुराने मकान तोड़ी जा रही थी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पैमाना का उस दृष्टिकोण से हम जांच कर रहे हैं कि देख ले। इधर गुजरात के साबरमती स्टेशन से शनिवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन टाटानगर पहुंची। इसमें 360 श्रमिक ट्रेन से उतरे। इन श्रमिकों को थर्मल स्कैनिंग कर उन्हें स्टेशन परिसर में ही खड़ी बस में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। स्टेशन में ट्रेन के पहुंचने पर पानी व नाश्ता का पैकेट प्रत्येक यात्री को दिया गया और आने वाले श्रमिकों का नाम व पूरा पता लिखा गया। श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान वहां खाने पीने की बहुत समस्या हुई। जिन मजदूरों के पास रुपए थे वह तो खरीद कर अपना काम चला रहे थे, लेकिन जिन मजदूरों के पास रुपए नहीं थे उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। वह दाने दाने के मोहताज थे। जहां काम कर रहे थे उस ठेकेदार से रुपए लेकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। अपना राज्य वापस लौटने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उनका टिकट नहीं हो पाया, जिसके कारण वे लोग अपने गाँव नहीं लौट पा रहे थे। उसके बाद फिर उन लोगों को पता चला कि गुजरात से हावड़ा के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, तो किसी तरह उस ट्रेन में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टाटा नगर स्टेशन पहुंचे। उधर सालडी बस्ती में
तीन दिन पहले लापता नाबालिग लड़की का शव नदी में तैरता ग्रामीणों ने निकाला। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर साइकिल का टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सालडी बस्ती से तीन दिन पूर्व नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना रात को 8 बजे लड़की के परिजन ने आदित्यपुर थाना में दी। 24 घंटे बाद भी ग्रामीण छानबीन के बाद लड़की का चप्पल कपड़ा सालडी स्कूल से लेकर थाना को दिया। परिजन द्वारा कुछ लड़के का नाम दिया गया है। 5 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं आज 11 बजे शव को भाटिया बस्ती के ईट भट्टा खरखाई नदी में तैरता हुआ ग्रामीणों ने देखा और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि लापता लड़की के शरीर पर कपड़ा नहीं था। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म कर हत्या कर ईटा भट्टा के समीप खरखई नदी में फेंक दिया गया था। वहीं परिजन ने लड़की का कपड़ा सालडी स्कूल से पुलिस को सौंपा था। परिजन ने आदित्यपुर थाना को शिकायत दर्ज की थी। पुलिस इस मामले में 5 व्यक्ति को हिरासत में ली है। वहीं पुलिस की शिथिल रवैये से ग्रामीण परेशान होकर पुलिस पर सवाल उठाया है। बताया जा रहा है कि ये 5 युवक ब्राउन शुगर का सेवन करते हैं। इनके सर पर खादी पोष नेता का हाथ है, जिस कारण पुलिस इस मामले में अपना कार्रवाई शिथिल रखी है। शव मिलने के बाद पुलिस ने बलपूर्वक शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीण भड़क कर सड़क पर उतरे और आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग पर साइकिल के टायर जलाकर थाना प्रभारी के अत्याचार का विरोध प्रदर्शन किया। कोई खोजा नहीं, कोई थाना पर मैडम किसी को खुजवाया नहीं। अभी हम लोग खोज खाज परेशान से निकाला बॉडी, हम लोग को पूरा लाठी चार्ज किया, बॉडी छीन के जबरदस्ती लेके चल गया, हमको पूरा मारा। वो 2-3 5-7 जन को बहुत पूरा लाठी चार्ज किया सिपाही लोग, और सिपाही लोग कुछ नहीं खोजा। हम लोग इतना मेहनत से खोज खोज के निकाले, अब बॉडी में भी हथला बॉडी छीन के भाग गया सर। एक बोले अपराधी पे कार्रवाई नहीं, और अपने अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जो कि हम लोग उसको पकड़ के दिए हैं। मेरा नाम उसको चाचा है, मेरा भतीजी हो करण गोप, लड़की का क्या नाम था पूजा गोप। वहाँ से बॉडी को जब हम लोग बोले कि हम उनका परिवार पहले देखेगा, घर लेके जा रहे हो, बोला नहीं पहले सड़क चला जाएगा, हम बोले 2 मिनट देख लेगा उसके बाद वहाँ जाएगा, तब तक लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। कोई लात से मार रहा है, कोई झाप से मार रहा है, जो इधर उधर जिसको सका उसको मार रहा है। बहन हम पहले अपना घर लेकर आएंगे कि पहले उसको देंगे? पुलिस क्या कर रहा था जब उसको जब हम लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया? वहीं भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने सिटी एसपी से मुलाकात कर मानगो खुदीराम बोस चौक से बैरिकेडिंग हटाने की मांग की है। भाजपा के विकास सिंह ने कहा, लॉकडाउन के दौरान शहर में लगाए गए बैरिकेडिंग हटा लिए गए हैं, परंतु खुदीराम बोस चौक पर बैरिकेडिंग नहीं हटाए जाने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सिटी एसपी से भेंट कर बैरिकेडिंग हटाने का आग्रह किया गया है। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जाना पड़ता था, और मान को जब से दायना मुड़ के चल जाते पूरा जाम का स्थिति हो जा रहा है, उल्टा दिशा दिशा आप तो आ रहे भैया, आप तो खुद उसमें रहते हैं, मानगो में देख रहे हैं क्या स्थिति है। मानते हैं कि मानगो की आबादी लगभग 3 लाख के करीब। लॉकडाउन के पहले छोटा पुल पूरी तरह शुरू था, छोटे वाहन छोटे पुल से जाते थे, जिससे बड़े पुल में दबाव कम पड़ता था। इसके साथ ही मानगो जो गुलचक्कर है, जहाँ अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा लगी है, वहाँ बैरियर हटा दिया जाता था। केवल रात के समय जब भारी व्हीकल शुरू होते थे तब बैरियर लगता था। इससे जिन लोगों को मानगो नगर निगम का कार्यालय, मानगो थाना, SBI का मुख्य शाखा, मंदिर चर्च गुरुद्वारा मस्जिद जिस लोग को जाना पड़ता था, जो डिमना लोग में रहते थे, जो बालीगुमा में रहते थे, जो पूरे उन लोगों को आसानी से लोग दाहिने मुड़ के नया पुलिया रोड में चल जाते थे, अब लॉकडाउन टूट गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन वो बैरियर नहीं हटा। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस से बात किया कि बैरियर हटाई तो कहे कि उच्च अधिकारी से आदेश से हम लोग बंद किए हैं। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के नूर कॉलोनी रोड नंबर 6 में 2 भाड़ेदारों के बीच कहासुनी बंद करने पर एक पक्ष की महिला भाड़ेदार ने पत्थर फेंक कर घर मालिक का 4 दांत तोड़ दिया। बताया जाता है 2 भाड़ेदारों के बीच कहासुनी हो रही थी, घर मालकिन विवाद छुड़ाने पहुंची, एक पक्ष की महिला भाड़ेदार ने मालकिन की पिटाई कर दी। मालकिन का लड़का मोहम्मद अलीम मां को बचाने के लिए पहुंचा तो महिला भाड़ेदार ने अलीम के मुंह पर पत्थर फेंक दिया। अलीम के आगे का 4 दांत टूटकर नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही आजाद नगर पुलिस पहुंची और पत्थर को जब्त कर लिया।
महिला भाड़ेदार को थाना ले गई, जहां मोहम्मद अलीम घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। वहीं महिला भाड़ेदार मोमिना ने आरोप लगाया है, अलीम पर गाली गलौज कर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। भाड़ेदार में लड़ा, मतलब वैसा वैसे ही हो रहा था, तो मेरी अम्मी गई कि दोनों को छुड़ा देंगे, लड़ाई तो अच्छा बात नहीं है। तो मेरी अम्मी गई तो फिर वो क्या करी, मेरी अम्मी को ऊपर लपक गई लोग तीनों कि तुम ही मेन जड़ है, तुम ही मतलब सबकी ये सब करा रही है, लड़ाई वड़ाई करा रही है हमको, मतलब मारने के लिए ये वो। तो फिर उन लोग क्या करी, मेरी अम्मी को मारने लगी, मेरी अम्मी को मारने लगी तो मेरा भाई गया कि तुम लोग मेरा माँ को क्यों मार रही है। तो फिर वो लड़की लोड़िया उठा के सीधा मुंह में मार दी मेरा भाई का, जिसमें उसका चार दांत, दो दांत टूट गया, दो और पूरा हिल रहा। तो डॉक्टर बोले कि वो बाद में फिर निकाला जाएगा। दोनों भाड़ेदार तुम्हारे यहाँ? जी जी, मेरे यहाँ रहते। वो लोग एक साल से खाली करने बोल रहे हैं, तो मगर वो लोग खाली नहीं करने खोज रही है, बोलती घर मिलेगा तभी खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जो करना कर लो। जब भी होता है हम लोग यहाँ के भी बोले हैं, मगर वो लोग सुनती नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, जब मिलेगा तभी करेंगे खाली। नहीं, खाली नहीं करती है, बोलती जब मिलेगा घर तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितना साल से है ये लोग? लगभग एक डेढ़ साल से है। इधर मदर टेरेसा फाउंडेशन को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से प्रशस्ति पत्र दिए गए। मदर टेरेसा फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन देवजीत दीप ने बताया, कोरोना संक्रमित बीमारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में फाउंडेशन की ओर से पूरे प्रदेश में सामाजिक काम किए गए। कार्यों से प्रभावित होकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से फाउंडेशन को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। एनजीओ की तरफ से आए हैं, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड डीसी सर, एसएसपी सर एंड एसपी सिटी के पास आए हैं। पूरे एंटायर लॉकडाउन में रूरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए सोशल वर्क जहाँ जहाँ किया गया हमारे एंड से, विभिन्न क्षेत्रों में जमशेदपुर और एंटायर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग सोशल वर्क किए हैं लोगों के लिए, उसी के लिए एज ए कोरोना वॉरियर उन लोगों को सर्टिफिकेट देने आए। किनको किनको सर्टिफिकेट? डीसी सर मिस्टर रविशंकर शुक्ला, एसपी सिटी मिस्टर सुभाष चंद्र जाट एंड सीनियर एसएसपी सर मिस्टर तमिल वरन। किस लिए आप दे रहे हैं? मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग आए हैं एज ए कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट देने। देवजीत मुखर्जी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। उधर क्षत्रिय महासभा ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ डायरेक्टरों की फिल्में झारखंड में आजीवन प्रतिबंध की मांग की। क्षत्रिय महासभा के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह राजपूत ने कहा, ज्ञापन में फिल्म निदेशक करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर, आलिया भट्ट की फिल्में झारखंड में प्रदर्शित करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, तथा सिनेमा घर मालिकों से भी मांग की गई है इन फिल्मों का प्रदर्शन बंद रखें। डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए, और ये ज्ञापन झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड के राज्यपाल के नाम है। इस ज्ञापन में हम लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान के द्वारा बनी हुई फिल्म या उनमें एक्टिंग की गई, एकता कपूर के द्वारा बनाई गई फिल्म, यशराज बैनर के तले बनाई गई फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म, आलिया भट्ट की फिल्म, इन तमाम ऐसे लोगों का जिसका नाम अभी सोशल मीडिया एवं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में, इन ऐसे लोगों का जितना भी फिल्म आगे भविष्य में निर्धारित होता है उनको हम लोग आजीवन प्रतिबंध चाहते हैं झारखंड में। और हम लोग मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्यपाल महोदय से यही चाहते हैं कि इन लोगों को, आप लोगों के माध्यम से हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग चाहते हैं केंद्र सरकार की ओर से, तथा इसमें आजीवन प्रतिबंध चाहते हैं। और जितने वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने
हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जमीयत उलमाए हिंद जमशेदपुर के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एंकर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो पूरे मुस्लिम समाज और देश के गंगा जमुनी तहजीब पर आस्था रखने वालों के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इधर मौलाना सैयद शफरुद्दीन ने कहा, एंकर की गिरफ्तारी के साथ इस राष्ट्रीय न्यूज चैनल की मान्यता रद्द किया जाए। किनको सौंप रहे हैं ज्ञापन आप लोग? तो है उनके माध्यम से, यहाँ डीसी महादेव के माध्यम से इन सबको हम लोग भेजेंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शान में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने जिस तरह की ओछी जबान और गंदी जबान का इस्तेमाल किया है, हम उसकी निंदा करने के लिए आए हैं। ये भारत की गंगा जमनी तहजीब पर हमला है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है, बल्कि पूरे देश पर अटैक है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज से आस्था सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, हिंदुओं को भी है, सिखों को भी है, दीगर कम्युनिटीज़ को है। सारे धर्म के लोग वहाँ जाते हैं आज भी और अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ हर साल उर्स के मौके पर अकीदत का नजराना पेश किया जाता है, चादर पेश की जाती है। हम जो है अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं, तो क्या आप किसी लुटेरे को आके के से आप आस्था जताते हैं? आप उसके ऊपर ये करते हैं इसलिए। और AIMIM के समर्थकों ने कपाली चौक पर शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला। शहीद 20 जवानों के सम्मान में AIMIM के समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला। पार्टी के नेता गालिब संवित खान ने कहा, चीन ने कायरता कार्रवाई कर 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला, चीन से इसका बदला भारत सरकार अवश्य ले। मैं सरायकेला खरसांव का जिला अध्यक्ष गालिब खान, और कैंडल मार्च हमने निकाला है ताकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चाइना के ऊपर अटैक करें या किसी भी तरह हमारे जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान का बदला लें। वो कहां से कहां तक कैंडल मार्च निकाला? हमने कैंडल मार्च निकाला शब्बन मेडिकल से POP चौक तक, और हमारे साथ कम से कम 60 आदमी हैं कैंडल मार्च में, और फुल जोर समर्थन करते हैं हम लोग, और ये जल्द चाहेंगे कि जल्द से जल्द चाइना के ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं तो जब कहता हूँ कि चाइना का एटम भी हम उसे बायकॉट करें, कोई भी कंपनी चाइना का माल हम लोग नहीं खरीदे, हम हिंदुस्तानी कोशिश करें कि अपने हिंदुस्तान का ही माल खरीदे और उसको यूज़ करें। भाई हमारे पैसा लेके हम ही के ऊपर अटैक करेगा चाइना देश का, से कैसे चलेगा? आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय सरायकेला। उधर COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रभावित होने वाले फुटपाती दुकानदारों को लोन देने के लिए GNSE क्षेत्र में जगह जगह कैंप लगाकर फॉर्म भर कर लिए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए GNSE के सिटी मैनेजर विशाल सिंह ने बताया, फॉर्म के साथ बैंक खाता और आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो उत्पाद विक्रेता आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें उत्पाद विक्रेता 7% इंटरेस्ट सब्सिडी के दर पे लोन कैपिटल वर्किंग कैपिटल के रूप में काम फिर से शुरू कर सकते हैं और अपना दुकान फिर से प्रारंभ करने के लिए योजना को लंब किया गया है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहे हैं सर? डॉक्यूमेंट के लिए अभी वर्तमान में पहला है बैंक का पासबुक का जेरोक्स कॉपी, और दूसरा है आधार कार्ड। ये मेन डॉक्यूमेंट है, इनके कारण हो सकता है अगर अन्य उनके पास अन्य भी दस्तावेज वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विशाल सिंह, सिटी मिशन मैनेजर GNSE। उधर चीन में शहीद जवानों को लेकर चांडिल के कपाली में AIMIM कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला।
कपाली में AIMIM कार्यकर्ताओं ने चीन सीमा में शहीद हुए जवानों के लिए कैंडल मार्च निकालकर चीन के द्वारा हिंसक कार्रवाई का विरोध जताया। कैंडल मार्च कपाली के मोहम्मद मेहताब मेडिकल से कपाली TOP चौक तक निकाला गया। इस दौरान एक मिनट का मौन रखा गया, शहीदों को पुष्प श्रद्धांजलि दिया गया। इस बीच चीनी सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गलीब शाहिद खान, शब्बन भारती, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद लाल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। शहीद जवान जो शहीद हो गए देश के लिए, उनके लिए हम लोग आज मौन जुलूस के तौर पर कैंडल मार्च यहाँ पे निकाले हैं TOP चौक पे MIM पार्टी के बैनर तले। और इस बैनर के माध्यम से जिला अध्यक्ष सरायकेला खरसावां गालिब सईद खान के नेतृत्व में हम लोगों जो आज कैंडल मार्च निकाले ये MIM पार्टी के झंडा के नीचे, इस झंडे के मार्फत और जिला अध्यक्ष सरायकेला खरसावां गालिब सईद खान के नेतृत्व में हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि चाइना ने 20 शहीद जवान हमारे देश के नौजवान को मारा है। मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा गुजारिश है, हमारे समाज के लोगों का, हमारे हाँ बताइए, कैंडल मार्च आज के किस लिए निकाला गया? कैंडल मार्च हमारे हिंदुस्तान के सैनिक जो शहीद हुए हैं उसके लिए हमने निकाला है। AMIM पार्टी के नेतृत्व में मैं सरायकेला खरसावां का जिला अध्यक्ष गालिब सईद खान और कैंडल मार्च हमने निकाला है ताकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चाइना के ऊपर अटैक करें या किसी भी तरह हमारे जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान का बदला लें। वो कहां से कहां तक कैंडल मार्च निकाला? हमने कैंडल मार्च निकाला शब्बन मेडिकल से TOP चौक तक और हमारे साथ कम से कम 60 आदमी हैं कैंडल मार्च में। अब फुल जोर समर्थन करते हैं हम लोग और ये जल्द चाहेंगे कि जल्द से जल्द चाइना के ऊपर कार्रवाई की जाए और मैं तो जब कहता हूँ कि चाइना का एटम भी हम। वहीं कोरोना के लॉकडाउन बंदी में आर्थिक स्थिति में कईयों ने आत्महत्या किया। वहीं राजनगर मुड़ियापाड़ा गांव में एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान माँ बाप का बोझ कैसे उठाए सोचकर अपना मानसिक संतुलन खो दिया। पिछले 3 दिनों से वह एक ही जगह पर खड़ा है। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के मुड़ियापाड़ा गांव में हेमंत कुमार मोदक नामक व्यक्ति पिछले 3 दिनों से एक मूर्ति की तरह खड़ा है। उसे बारिश और धूप का भी एहसास नहीं है, खड़े रहने से पैर भी फूल चुका है। 3 दिनों से खाना पीना भी बंद कर दिया। हेमंत कुमार मोदक पहले एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन हुआ दुकानें बंद हो गई, तब से उसका मानसिक संतुलन खो गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले इसी दुकान से घर का खर्च चलता था। 3 महीने दुकानबंदी के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह किसी से बातचीत भी नहीं करता है। वहीं उसके बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप बेटे की ऐसी स्थिति से काफी चिंतित हैं। उसके पिता भी काफी बुजुर्ग और पैरों से अपाहिज हैं। उनके पड़ोसी ने बताया कि हेमंत मोदक का राजनगर साहू कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और हेमंत मोदक एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं और काफी अच्छा काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद से उनका मानसिक संतुलन खो गया। अब वह किसी से बातचीत भी नहीं करते और एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। घर की माली हालत भी दयनीय हो गई है, क्योंकि उसके मूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा उसका एकमात्र बेटा मानसिक रोग से ग्रसित हो चुका है और अब उसके बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के उचित इलाज के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। কি কাজ করতেছিলেন? ইলেকট্রনিক। ও হ্যাঁ, বনাবনি তো কো করছিল ইলেকট্রনিক। হ্যাঁ বেসা বেদান নই যে। হ্যাঁ বেহা হই। তো এখন কি চাইছো তোমরা? আমরা চাইছি কোনো রকম ওরাকে ভালো করবা, কোনো মদত দরকার, আর কিছু মদত চাই।
দেখো আমাদের ঘরে কিছু নাই এত দিন ঠু দোকান উয়ার তো আর কারবার পত্র নাই খাবার দাবার অসুবিধা হু আর ইনকা পিছলে দো মহিনা সে ইনকা মানসিক সন্তুলন ধীরে ধীরে বিগড় যা রা হ্যাঁ তক কি দু দিন পহলে সে ইনকা খানা পিনা ভি বন্ধ হো চুকা হ্যা আর এসে স্থিতি মে খড়ে হ্যাঁ না সো পা রে না কুছ কর পা রে আর ইনকা আর্থিক স্থিতি বহুত হি দয়নীয় হ্যা জিসকে কারণ ইয়ে ইলাজ করানে মে অসমর্থ হ্যাঁ ঘর মে কন কন হ্যাঁ ইনকে ঘর মে বস ইয়ে হ্যাঁ আর ইনকে মম্মি পাপা জো উনকে পাপা কা মানে কে বলতে পের মে চোট লাগনে কে কারণ ও ভি বিকলাঙ্গ হো চুকে হ্যাঁ আর ইনকে ঘর মে কমানে চলতে চলতে এক বার ফির সে নজর ডালেঙ্গে আব তক কি সুর্খিও পর। সরাই মে এক পুরানে মকান কো তোড়নে কে দৌরান এক মজদুর কি মলবে মে দবনে সে হুই মৌত। গুজরাট সে টাটানগর স্টেশন পৌঁছি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন 360 শ্রমিক পৌঁছে গন্তব্য তক। তিন দিন পহলে লাপতা নাবালিক যুবতী কাজ শব নদী মে তৈরতা মিলা গ্রামীণ নে মুখ্য মার্গ পর কিয়া বিরোধ প্রদর্শন। আর অভি কে লিয়ে বস ইতনা হি কল ফির মিলেঙ্গে কুছ অন্য খবরো কে সাথ তব তক কে লিয়ে দিজিয়ে সিটি নিউজ কে পুরে টিম কো ইজাজত নমস্কার।